इसके बाद अष्टम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। अष्टम स्कंद में भगवान के कई अवतार की चर्चा है। श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विभू अवतार की चर्चा सुनाई। भगवान का एक अवतार विभू अवतार की चर्चा सुनाई। भगवान का एक अवतार विभू अवतार है। भगवान का एक अवतार सत्यसेन अवतार है। एक अवतार भगवान का हरि अवतार है। राजा परीक्षित ने पूछा, ये हरि अवतार कब हुआ? तो सुखदेव जी ने कहा कि तत्रापि जज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसः। हरिमेधस नाम के एक महर्षि थे, उनकी पत्नी का नाम था हरिणी और उनके गर्भ से भगवान प्रकट हुए, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया हरि। हरि रित्या हृतो येन। तो राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज ये हरि अवतार में भगवान ने कौन सी लीला की? हरि अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, ये कृपा करके आप सुनाओ। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन हरि रित्या हृतो येन गजेन्द्रो मोक्षितो ग्रहात्। हरि अवतार में भगवान ने ग्राह के चंगुल में फंसे हुए, ग्राह के जबड़े में फंसे हुए गजराज को भगवान ने बचाया। हरि रूप में आकर के ही भगवान ने गजेंद्र की रक्षा की। और इतना कहते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को गजेंद्र की कथा सुनाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन आसीत गिरिवरो राजस त्रिकूट इति विश्रुतः। क्षीर सागर के मध्य में त्रिकूट नाम का एक पर्वत, उस पर्वत पर अनेक प्रकार के वन्य पशु रहते थे। उसी पर्वत पर एक गजराज भी रहता, बड़ा पराक्रमी। एक दिन वो गजराज अपने पूरे परिवार के सहित सरोवर में स्नान करने गया और उस सरोवर में पहले से ही कोई ग्राह बैठा हुआ था। और संयोग कि उस ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया अपने मुंह में और पानी के अंदर खींचने लगा। ग्राहेण पासेन विधातुरावृतो प्यहं तयं यामि परंपरायणम्। ग्राह ने जब गजेंद्र के पैर को पकड़ करके पानी में खींचने लगा तो गजेंद्र के परिवार के लोग उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। बहुत छुड़ाने का प्रयास किया, फिर भी छुड़ा नहीं पाए। अंत में गजराज के परिवार वालों ने देखा, ये तो डूब करके मर जाएगा और इसके साथ अगर हम लगे रहे तो हम भी मारे जाएंगे। इसलिए परिवार के लोगों ने उस विषम परिस्थिति में गजराज को छोड़ दिया और चले गए। यही संसार है। सुख में सभी लोग साथ रहते हैं, दुख में सब कोई साथ छोड़ देते हैं। उसके परिवार के लोग उसे छोड़ करके चले गए। अकेले गजराज अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रयास करता रहा, लड़ता रहा। लड़ते लड़ते उसका बल धीरे धीरे समाप्त होने लगा। जब गजराज ने देखा कि अब मैं किसी भी प्रकार से अपने प्रयास से नहीं छूट पाऊंगा, तब गजराज ने भगवान को पुकारा। जब चारों तरफ से हार गया तब हरि का स्मरण किया। कहते हैं ना, हारे को हरि नाम। हार जाने पर ही व्यक्ति हरि की शरण में जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं कि अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपाते सब बल हारे को हरि नाम। जब व्यक्ति हार जाता है तब हरि का स्मरण करता है। सूरदास जी कहते हैं कि सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। निर्बल के बल तो भगवान है। गजराज ने अपने मन को समाहित किया और भगवान को पुकारा। राजा परीक्षित ने पूछा
महाराज हाथी होकर के, पशु होकर के, उसके अंदर ऐसी बुद्धि कैसे आई कि मैं भगवान को पुकारूं? ऐसी विषम परिस्थिति में उसको भगवान का ध्यान कैसे हो गया? तो सुखदेव जी कहते हैं कि जजाप परमं जाप्यं प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम्। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ऐसी विषम परिस्थिति में उसको भगवान की याद आ गई। और फिर गजराज ने भगवान की स्तुति की, ओम नमो भगवते तस्मै यतये तच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाया विधीमहि। महाराज गजराज ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है और 28 श्लोकों में गजराज ने भगवान की स्तुति की, एक दो श्लोक में नहीं, 28 श्लोक में गजराज ने भगवान की स्तुति की है। लेकिन इस स्तुति की एक विशेषता है कि कहीं भी गजराज ने भगवान का नाम नहीं लिया। 28 श्लोक में भगवान की स्तुति किया है गजराज ने, लेकिन कहीं भगवान का नाम नहीं लिया, हे गोविंद, हे माधव, हे कृष्ण, हे नारायण, हे विष्णु, ना कहीं भगवान का नाम नहीं। बोले तो स्तुति कैसे करता है? बोले गोलमाल, गोलमाल बोले तो नाम नहीं ले रहा है, लेकिन भगवान के जो गुण हैं उन गुणों का स्मरण कर रहा है। क्या कहता है गजराज? गजराज कहता कि यस्मिन इदम यतश्चेदम, यस्मिन इदम, इदम माने ये संपूर्ण संसार, यस्मिन माने जिस परमात्मा में है मैं उसको प्रणाम कर रहा हूं। अब वो कौन है, विष्णु है कि नारायण है कि राम है कि कृष्ण है, ये नहीं कहता। ये सारी सृष्टि जिस परमात्मा से उत्पन्न हुई मैं उसको प्रणाम करता हूं। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जिसके अनेक आश्चर्यमय कर्म हैं। नम आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, जो आत्म प्रदीप साक्षी है ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। नमो गिराम विदुराय, जो वाणी से भी परे है, वाचाम अगोचर है, ऐसे उस परमात्मा की मैं स्तुति कर रहा हूं, उसे प्रणाम कर रहा हूं। इस प्रकार गजराज ने भगवान की स्तुति की। नमो नमस्ते खिल कारणाय, जो सारे जगत के कारण है मैं उनको प्रणाम करता हूं। कहीं नाम नहीं लिया। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः। एवं गजेन्द्र मुपवर्णित निर्विशेषम, गजेंद्र ने जो भगवान की स्तुति की निर्विशेषम, कहीं भी भगवान के किसी विशेष नाम का उच्चारण नहीं किया। और गजेंद्र की स्तुति को जितने देवता थे सब सुन रहे थे। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः। सुखदेव जी कहते हैं राजन, ये ब्रह्मादिक जितने देवता हैं ये सब सुन रहे थे, लेकिन कोई गजराज को बचाने के लिए नहीं आए। आप कहोगे कि इसलिए नहीं आए कि गजराज उनको बुला नहीं रहा था, इसलिए नहीं आए। अरे भाई, कोई किसी को बुलावे न बुलावे, लेकिन कोई पानी में डूब रहा है, भले किसी तीसरे को पुकार रहा है और वो तीसरा वहां न हो, आप वहां पर हो, आप देख रहे हो, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसे बचाओ। ये सामान्य धर्म है। लेकिन कोई देवता गजराज को बचाने के लिए नहीं आएगा। इसीलिए सुखदेव जी ने कहा कि ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः, ये जितने देवता हैं ये बड़े अभिमानी हैं, अपने अपने अभिमान में अपने अपने लोक में बैठे रहे और तमाशा देख रहे। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः, किस बात का इनको अभिमान था देवताओं को? सुखदेव जी कहते हैं विविध लिंग विदाभिमाना, अपने अपने पद का अभिमान था। लिंगम पदम, लिंग का अर्थ यहां पर पद है। अपने अपने पद और प्रतिष्ठा के अभिमान में बैठे। कोई सोच रहे थे कि हम तो स्वर्ग के राजा हैं, कोई सोच रहा था हम सृष्टिकर्ता हैं, कोई सोच रहा था हम जल के अधिष्ठात्र देवता हैं, कोई कह रहा था हम वायु देवता हैं,
सब अपने अपने पद के अभिमान में बैठे रहे और कोई गजराज को बचाने के लिए नहीं आया। ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमानाः नैते यदोपससुपर्णखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिरा विरासीत। जब कोई उस गजराज को बचाने नहीं आया तो भगवान आ गए। भगवान कैसे आए? सुखदेव जी कहते हैं कि अपने गरुण के ऊपर बैठ करके भगवान आए। छंदो मयेन गरुणेन, अपने गरुण के ऊपर बैठ करके भगवान आ रहे हैं आकाश मार्ग से। और इतनी तीव्र गति से भगवान आ रहे थे कि भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा था, गले की वनमाला हिल रही थी। भगवान के इस मनोहर रूप को गजेंद्र ने देखा, नीले आकाश में सुवर्णमय गरुण के ऊपर विराजमान, मरकत मणि के समान जिनके अंग की कांति है ऐसे भगवान नारायण, पीतांबर वनमाला विभूषित शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए गरुण पर बैठे हुए मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। भगवान का पीतांबर आकाश में उड़ रहा है जैसे आकाश में बिजली चमक रही है। भगवान की इस शोभा को देख करके गजराज अपने दुख को भूल गया। गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन, भूल गई गज ग्राह ग्रसन की। ग्राह गजराज भूल गया कि ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। गज निरख्यो फहरान बसन की, ललक लग्यो मुख कमल विलोकन, भूल गई गज ग्राह ग्रसन की। बन माला हलरत ही ऊपर, दामिन सी मृदु मंद हसन की, गज निरख्यो फहरान बसन की। गजराज ने भगवान के पीतांबर की फहरान को, बनमाला की हलरान को, भगवान की मंद मुस्कान को, भगवान की तिरछी तकान को, भौहें कमान को देख करके गजराज मुग्ध हो गया, दुख को भूल गया। और गजराज ने सोचा कोटि कोटि ब्रह्मांड के अधीश्वर भगवान आ रहे हैं, मैं इनकी क्या सेवा करूं। फिर गजराज ने सोचा, अरे इनको कमल पुष्प अत्यंत प्रिय है, क्योंकि ये कमलाकांत हैं, कमला के पति हैं, कमल पुष्प से इनको इतना प्रेम है कि भक्त लोग जब इनकी स्तुति करते हैं तो इनके एक एक अंग का जब वर्णन करते हैं तो भक्त यही कहते हैं, चरण कमल, मुख कमल, कर कमल, सब कमल ही कमल। गोस्वामी जी ने स्तुति किया है ना, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कमल पुष्प इनको अत्यंत प्रिय है, ये कमला के कांत हैं, तो इनको मैं कमल पुष्प अर्पित करूं। गजराज ने अपने सूंड से उसी सरोवर में से एक कमल को उखाड़ा और कमल पुष्प लेकर के भगवान को ऐसे अर्पित किया उठाकर। नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते, उत्क्षिप्य सांबुज कर गिरिमाह कृच्छान्, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। एक कमल पुष्प को लेकर के गजराज ने भगवान को अर्पित किया। तम वीक्ष पीड़ितमज सहसावतीर्य, ग्राह के मुख में पड़े हुए गज को देखकर भगवान अपने गरुण से कूद पड़े महाराज। जब तक गरुण जी जमीन में उतरते और भगवान गरुण की पीठ से उतर करके ग्राह को बचाने के लिए सरोवर तक जाते, बोले इतना समय नहीं था, गरुण की पीठ से भगवान नीचे कूद पड़े महाराज। सुखदेव जी कहते हैं कि तम वीक्ष पीड़ितम अज सहसावतीर्य, सहसा अवतीर्य कूद गए भगवान, और एक हाथ से भगवान ने गजराज के द्वारा समर्पित उस कमल पुष्प को ग्रहण किया, उसकी सेवा को स्वीकार किया। और भगवान ने विचार किया कि जब तक मैं ग्राह को मारूंगा तब तक ये गजेंद्र डूब न जाए, इसलिए भगवान ने गजराज की सूंड को अपने हाथ से पकड़ा और ग्राह के सहित ही निकाल करके बाहर रख दिया पानी से बाहर। ग्राह भी नीचे लटका हुआ बाहर चला आया, और बाहर निकालने के बाद चक्रेण नक्रवदनम विनिपाट्य तस्मात, अपने चक्र के द्वारा
ग्राह के मस्तक को भगवान ने काट दिया। गजेंद्र के पैर में जो घाव हो गया था, ग्राह के दांत धंस गए थे, उस अंग को, गज के पैर को भगवान ने अपने करकमल से स्पर्श कर दिया, सारी पीड़ा समाप्त हो गई, गजेंद्र स्वस्थ हो गया। और फिर गजराज को भगवान अपने गरुण पर बैठा करके लेकर के वैकुंठ चले गए, गजराज को लेकर के भगवान स्वधाम चले गए। इस प्रकार भगवान ने गजराज की रक्षा की है। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात, गजराज को लेकर के भगवान जब वैकुंठ पहुंचे तो देखते हैं कि एक नया पार्षद वहां खड़ा था। तो भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, देवी ये नया पार्षद कौन है? तो लक्ष्मी जी ने कहा, जिसका उद्धार करने के लिए आप गए थे वही तो है। तो भगवान ने कहा, जिसका उद्धार करने गए थे उसको तो हम अपने साथ लेकर के आए, ये पहले से कौन आ गया? तो लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभो यही तो अद्भुत बात है, जो आपकी भक्ति करता है उसको मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसमें तो संदेह हो सकता है, लेकिन जो आपके भक्तों के चरण का आश्रय लेता है उसके मुक्ति में संदेह नहीं है। सिद्धिर भवति वानेति संशयोच्युत सेविनाम न संशयोस्ति तद भक्त परिचर्यारतात्मनाम। जो भगवान के भक्तों के चरण का आश्रय लेता है उसकी मुक्ति में कोई संदेह नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ये गजराज तो आपका भक्त है, लेकिन ग्राह ने तो आपके भक्त गजराज के चरण को पकड़ा था, इसलिए उसको मुक्ति पहले मिल गई और गजराज को मुक्ति बाद में। क्यों? बोले, भगवान की भक्ति से बढ़कर भगवान के भक्तों की भक्ति है हमारा। इसीलिए भगवान ने जब नौधा भक्ति का वर्णन किया है श्रीमद् रामचरितमानस में, सबरी मैया को नौधा भक्ति का जब उपदेश किया है, तो सातवीं भक्ति बताते हुए भगवान ने कहा है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अतीत सन ते कर लेखा, मोते अतीत सन ते कर लेखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा। भगवान कहते हैं, सबरी मैया, सातवीं भक्ति ये है कि सातों सम मोहि मैं जग देखा, सारे संसार में मेरा ही दर्शन करो। लेकिन कैसे? बोले, संसार में सर्वत्र मुझे देखते हुए भी मोते अधिक संत करी लेखा, मुझसे ज्यादा मेरे भक्तों में अनुराग रखो, ये सातवीं भक्ति है। तो भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों से प्रेम करना, उनके चरणों में अनुराग रखना, ये सातवीं भक्ति है। इसको कहते हैं भागवत शेषत्व। हम भगवान के भक्त होते हैं तो भगवत शेष होते हैं, और जब भगवान के भक्तों के हम भक्त बन जाते हैं तब हम भागवत शेष होते हैं, और भागवत शेषत्व ही भक्ति का अंतिम चरम लक्ष्य। भगवत भक्ति की अंतिम कोटि क्या है? बोले, भगवान के भक्तों में हमारी निष्ठा दृढ़ हो। जब तक हम भगवान की निष्ठा रखते हैं तब तक भक्ति पूर्ण नहीं है। भगवान की हम केवल पूजा करते रहें, भगवान को भोग लगावें, भगवान की आरती करें और भगवान के भक्तों में हमारी निष्ठा न दृढ़ हो तो हमारी भक्ति अभी अधूरी है। वो पूरी कब होगी? बोले, मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान से ज्यादा भगवान के भक्तों में अनुराग रखना। गजराज को मुक्ति की प्राप्ति हुई, ग्राह भी मुक्त हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन ये दोनों पूर्व जन्म में
अच्छे संस्कारवान व्यक्ति थे। थोड़े से अपराध के कारण इनको पशु योनि प्राप्त हुई थी, आज इनका उद्धार हुआ। ये ग्राह कौन था? तो सुखदेव जी कहते हैं, योऽसौ ग्राह सवै सद्यः परमाश्चर्य रूप धृक् मुक्तो देवल सापेन हुहु गंधर्व सत्तमः। ये जो ग्राह था ये हुहु नाम का गंधर्व था, इसका नाम था हुहु, स्वर्ग में रहता था, इंद्र को गीत संगीत सुनाता था। एक दिन नदी में स्नान करने गया और जिस नदी में यह स्नान कर रहा था वहीं पर देवल महर्षि स्नान करने के लिए आए और ये पानी में डुबकी लगा करके नीचे बैठा था। देवल महर्षि ज्यों ही पानी में घुसे तो नीचे से जाकर के उनका पैर पकड़ लिया। अब तो महर्षि डर गए, किसी जीव ने पकड़ लिया। डर करके जब बाहर निकल गए तो ये बाहर निकल करके हू 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 करने लगा, हंसने लगा, इसका नाम ही हू हू था। अब तो महर्षि देवल को क्रोध आ गया, देवल महर्षि ने शाप दे दिया, मगरमच्छ के समान पानी में छिप करके मुझे डरा रहे थे, जाओ तुम मगरमच्छ हो जाओ, घड़ियाल बन जाओ, शाप दे दिया। यही ग्राह बन गया। जब शाप दे दिया तो चरणों में गिर करके हुहु गंधर्व ने कहा, महाराज मैं तो मनोविनोद कर रहा था, अब मेरा उद्धार कैसे होगा ये बताओ। तो देवल महर्षि ने कहा, जाओ जब किसी भगवान के भक्त का चरण तुम पकड़ोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान के चक्र के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। और ये ग्राह को गजराज कौन था? सुखदेव जी कहते हैं कि सवई पूर्वम अभूत राजा पांडो द्रविण सत्तम। द्रविण देश में पांड्य नगर का राजा इंद्रद्युम्न विष्णु व्रतपरायण, भगवान विष्णु का परम भक्त विष्णु व्रतपरायण इंद्रद्युम्न नाम का ये राजा था। एक दिन भगवान की पूजा कर रहा था, उसी समय अगस्त महर्षि आ गए। भगवान की पूजा कर रहा था, अगस्त महर्षि आए तो ये उठा नहीं। राजा ने सोचा कि पूजा कर लें तब उठें। अगस्त महर्षि को ये अच्छा नहीं लगा। अगस्त महर्षि ने शाप दे दिया, मेरे आने पर तुमने उठ करके मेरा सम्मान नहीं किया और पूजा और भक्ति का नाटक कर रहे हो, पूजा के अभिमान में भक्ति के अभिमान में बैठे हो कि बड़े भारी हम पुजारी हैं, जाओ हाथी हो जाओ। शाप, बात बड़ी अटपटी सी लगती कि भाई पूजा कर रहा था उसकी क्या गलती थी, अगस्त महर्षि को इतने सम्मान की क्या अपेक्षा थी, अरे नहीं उठा तो नहीं उठा। लेकिन नहीं, जो खल दंड करो नहीं तोरा तो भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग। ऋषि मुनि लोग जो दंड देते हैं सोच समझ करके देते हैं, अपने सम्मान के लिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगस्त महर्षि सम्मान के भूखे नहीं थे, अगस्त महर्षि उसको शिक्षित करना चाहते थे कि अगर इसे शिक्षा नहीं मिलेगी तो इसका कल्याण नहीं होगा। क्यों? बोले भगवान की आप पूजा करते रहो, मंत्र जपते रहो, भगवान की आराधना करते रहो, उसी समय आपके गुरु आ जाएं, कोई संत आ जाएं, भगवान के भक्त आ जाएं, तो नियम यह है कि जहां तक तुम पूजा किए हो अधूरी पूजा छोड़ दो और उठ करके उनका स्वागत करो, ये धर्म है। वो पूजा तुम्हारी पूर्ण हो गई। बोले महाराज अभी माला पूरी नहीं हुई, आधी ही हुई है। बोले गुरु जी आ गए, समझो पूरी हो गई, माला रखो, अब तुम्हें पूरा करने की जरूरत नहीं। गुरु जी का दर्शन हो गया, संत का दर्शन हो गया, महात्मा का दर्शन हो गया, तुम्हारा भजन पूर्ण हो गया, यही पूर्णता में प्रमाण है। लेकिन उन संतों का आदर नहीं किया उठ करके और पूजा का अभिनय और नाटक करते रहे तो तुम्हारी पूजा व्यर्थ हो जाएगी, भगवान भी तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। अगस्त महर्षि ने राजा को शिक्षित करने के लिए दंड दिया। बाद में राजा चरणों में गिर पड़ा, बोले प्रभो हमारा कल्याण कैसे होगा। अगस्त महर्षि ने कहा, जाओ गजराज बनकर के तुम सुख का अनुभव करोगे, तुम्हारा बड़ा लंबा परिवार होगा, सब कुछ होगा, और जब अंतिम समय आएगा तो
ग्राह के द्वारा तुम ग्रसे जाओगे और उस परिस्थिति में जब तुम भगवान को पुकारोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे और भगवान तुम्हें अपने साथ लेकर के वैकुंठ जाएंगे। वैकुंठ जाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया अगस्त महर्षि ने शाप देकर। क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः, श्रेष्ठ जनों का क्रोध भी वरदान होता। ऐसे तो अगस्त महर्षि को इंद्रद्युम्न राजा हजारों वर्ष तक विष्णु भगवान की पूजा करता, उसके बाद भी उसको भगवान का दर्शन होता कि नहीं होता इसका कोई ठिकाना, और दर्शन होता तो होता, भगवान उसको अपने साथ वैकुंठ ले जाते ये संभव होता? नहीं होता। लेकिन अगस्त महर्षि के शाप की शक्ति देखो कि वैकुंठ जाना कन्फर्म हो गया और भगवान स्वयं आए इसके लिए और गजराज को अपने साथ लेकर के वैकुंठ गए हैं। गजेंद्र की इस कथा को श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। इसके बाद भगवान के और अवतारों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान का एक अवतार अजित अवतार है। राजा परीक्षित ने पूछा कि अजित अवतार लेकर के भगवान ने कौन कौन सी लीला की, अजित अवतार में भगवान ने क्या क्या किया? तो सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अजित ने ही समुद्र मंथन करवाया। अजित भगवान ने ही समुद्र मंथन करा करके समुद्र से अमृत प्रकट किया और देवताओं को अमृत पिलाया। तो राजा परीक्षित ने कहा, आप कृपा करके हमें समुद्र मंथन की कथा सुनाओ, समुद्र मंथन कैसे हुआ? और हमने तो सुना है कि समुद्र मंथन के प्रसंग में भगवान ने कच्छपावतार धारण किया है, ये भी कथा आप कृपा करके सुनाओ। तब श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करने लगे कि दुर्वासा जी के शाप से जब त्रिलोकी का वैभव समाप्त हो गया, इंद्र का सारा वैभव समाप्त हो गया, सभी लोग दुखी हो गए और सभी देवता रोते चिल्लाते भगवान के पास पहुंचे। तो भगवान ने ही कहा कि अब समुद्र मंथन करो और समुद्र मंथन से जब लक्ष्मी जी प्रकट होंगी, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी तो सारा संसार आनंदमय हो जाएगा। भगवान के कहने पर देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र मंथन किया है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, वासुकी नाग को रस्सी बनाई, और कौन सा समुद्र मथा, ये खारा समुद्र नहीं, क्षीर सागर, दूध का समुद्र। खारा समुद्र को मथने से अमृत थोड़ी निकलेगा, क्षीर सागर को मथने से अमृत निकला है। तो क्षीर सागर का मंथन हुआ, मंदराचल पर्वत को डाल करके समुद्र में जब मथने चले तो मंदराचल पर्वत डूबने लगा। अब किसी की बुद्धि काम न करे, तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल पर्वत को धारण किया है और फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न प्रकट हुए हैं, कामधेनु प्रकट हुई, ऋषियों को दे दिया, उच्च हिस्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, इंद्र को दिया, पहले तो विष प्रकट हुआ, कालकूट विष, हालाहल विष, उस विष को महादेव जी ने स्वीकार किया। अभक्षयन महादेव कृपया भूत भावन, भूत भावन भगवान शंकर ने विष पान करके पाणियों की रक्षा की और फिर समुद्र मंथन से और भी अनेक पदार्थ प्रकट हुए। उच्च श्रवा नाम का घोड़ा प्रकट हुआ, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, ऐरावत इंद्र को दे दिया गया, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई, कौस्तुभ मणि भगवान ने ले लिया, अप्सराएं प्रकट हुई, उनको स्वर्ग में स्थापित कर दिया और फिर समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। ततश्चाविर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशक कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है और लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई अपने कमल के आसन पर बैठी हुई चतुर्भुज रूप में, और लक्ष्मी जी ने अपनी कृपा दृष्टि से संसार को देखा तो फिर संसार आनंदमय हो गया, सारी समृद्धि प्रकट हो गई, संपूर्ण वैभव प्रकट हो गया। इंद्रादि देवताओं ने महालक्ष्मी की स्तुति की और फिर महालक्ष्मी वरमाला लेकर के चल पड़ी। सब देवता सोचने लगे किसके गले में ये वरमाला डालेंगे, लेकिन किसी के गले में लक्ष्मी जी ने वरमाला नहीं डाली, दूर बैठे हुए भगवान नारायण के गले में जाकर के लक्ष्मी जी ने वरमाला डाली।
फिर तो समुद्र के तट पर ही दिव्य मंडप का निर्माण हुआ और लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण का विवाह संपन्न हुआ। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। भगवान समुद्र की बेटी लक्ष्मी के पति हो गए सिंधु सुता प्रिय कंता, सिंधु सुता के प्रिय कांत कहलाए भगवान। और फिर समुद्र मंथन से भगवान धनवंतरी के रूप में प्रकट हुए अमृत कलश लेकर के। उस अमृत कलश को देखकर दैत्य लोग दौड़ पड़े। दैत्यों ने अमृत कलश छीन लिया, छीन करके तो गए लेकिन पी नहीं पाए। आपस में ही झगड़ा होने लगा। वो कहता था पहले हम पिएंगे, वो कहता पहले हम पिएंगे। अहम पूर्वम नत्वम नत्वम इति प्रभो। वो कहता पहले हम पिएंगे, दूसरा कहता हम पिएंगे, और कोई नहीं पी सके। भगवान ने सोचा ये दैत्य अमृत पी लेंगे तो इनको मारना संभव नहीं होगा, और ये बड़े उत्पाती हैं, फिर तो सारी दुनिया को ये त्रस्त कर देंगे, इसलिए इनको अमृत पिलाना ठीक नहीं। भगवान ने तुरंत मोहिनी रूप धारण कर लिया। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मटकते हुए मुस्कुराते हुए भगवान आ गए।